गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं यूनुस अली। लास्ट वीडियो काफ़ी पसंद हुआ है, पर आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो इसलिए एक नया वीडियो कुछ नए टॉपिक्स के साथ, एक नॉर्मल डिस्कशन लाइक द प्रीवियस वन, और कुछ बातें जो प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब बात हम लोग करते हैं बच्चों के साथ, कुछ समस्याएं सामने आती हैं कि इन पर कैसे काम किया जाए और कैसे इन पर आगे बढ़ा जाए। तो आज का जो मेरा डिस्कशन है वो स्टूडेंट्स के रिलेशन में, सीधा सीधा स्टूडेंट्स के बारे में बात है। देखिए, स्टूडेंट्स का लेवल सबका अलग अलग होता है ना, एग्जाम लेवल भी और सबका मेंटल लेवल भी अलग अलग होता है, और सपने सबके बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, कोई पढ़े या ना पढ़े क्लास नहीं पड़ता है। सब चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू अचीव द ग्रेटेस्ट कैरियर इन देयर फील्ड, और कुछ करते हैं, कुछ सोच कर रह जाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक पर आता हूँ कि आज जो मुझे बात करनी है वो किन पॉइंट्स पर बात करें। ठीक है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें से, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी फिर मिड ऑफ फेब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आप समझिए कि 3 महीने आपके पास है। आने वाले समय में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, जैसे IIT है, मेंस होगा और एडवांस होगा, और नीट का एग्जाम, CUET है, तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और बहुत बच्चे तो वाकई में ऐसे होते हैं जो बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, मेरी जानकारी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और हम कराते भी नॉर्मली चीज को, हम लेकर चलते भी, हम कोशिश भी करते हैं एज ए टीचर। तो जब मेरी बच्चों से बात हुई है तो मैं आज की 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वैसे तो पहला पॉइंट ये है कि बच्चा मेहनत कर, ठीक है, कहीं भी है और बच्चा वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी मेहनत, वो पूरा सिलेबस पढ़ता है, सब चीज करता है, लेकिन जब प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, एक तो अभी तैयारी होती है, स्कूल में भी टेस्ट होते हैं कि भाई हमने इतना पढ़ा दिया तो इसका इतना टेस्ट लेना, तो टेस्ट जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पीरियोडिक असेसमेंट दिया जाता है स्कूल में ना, और नॉर्मली हम इनको पीरियोडिक टेस्ट कह देते हैं। तो ये अलग अलग कॉम्पिटिशन के लेवल से अलग अलग होते हैं कि भाई इतना सिलेबस डाला है और हमने इसको कर दिया। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनका देखो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रियल में मेहनत कर रहे हो, दे वांट सक्सेस इन देयर रियल लाइफ, तो वो कैसे कर, उनका एक पॉइंट आता है कि सर हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, जैसे नीट है, JEE एग्जाम है, इनमें निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग जो होती है वो बच्चों के जो परसेंटेज है या नंबर है उनको कम कर देते। अब बेसिकली अगर मैं आज जो मेरा फोकस है वो JEE और नीट के एग्जाम से मेरा मेन फोकस है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हो ये रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, NCERT पढ़ रहा है। नीट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा टोटल, बायोलॉजी में टोटल NCERT आती है, केमिस्ट्री में टोटल NCERT आती है, फिजिक्स में ठीक ठाक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, लेकिन बेसिकली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मैं उसकी आज डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में कभी आगे बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेरी है कि कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को सुधारें, नंबर कहाँ रुका हुआ है, नंबर एक क्राइटेरिया पर रुक गया, मतलब भाई हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारा वही पिछले 3 टेस्ट में हमारा एक ही रूटीन चल रहा है कि हम उसी पद पर आ रहे हैं और निगेटिव मार्किंग हो रही। अब निगेटिव मार्किंग होती है ना, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ता है, बेसिकली मैं नीट के एक्सपर्ट में, नीट के अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है मैं उसके रिलेशन में बात कर रहा हूँ। नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टोटल डायरेक्टली NCERT की लाइन से आता है, डायरेक्ट NCERT की लाइन से, और जब डायरेक्ट NCERT की लाइन से आ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन, उसमें बच्चा गलती करता है। उसमें बच्चा गलती क्या करता है कि उसमें पूरा स्टेटमेंट सेम रखना, पूरी NCERT पढ़ी, जब पूरा स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन के अंदर और स्टेटमेंट में एक या दो वर्ड का डिफरेंस कर दिया, चेंज कर दिया, तो उस सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, ठीक है। अब वो बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा
क्योंकि कंपटीशन का दबाव होता है, एग्जाम का दबाव होता है, एग्जाम रूम का प्रेशर अलग होता है, तो बच्चा वो गलत कर रहता है। और जो जो बेसिकली बच्चों का जो क्वेश्चन गलत होता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं, जैसे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट करेक्ट है या उसका ग्रुप है। तो उसमें जब तक बच्चे को एनसीईआरटी की इंटरनल जानकारी नहीं होगी, ठीक है, और वह एक बार पढ़ने से नहीं आता, दो बार पढ़ने से नहीं आता, आपको एनसीईआरटी की रिवीजन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा और अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसमें आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन को कर सकते हो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें अगर आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो। अब उसके लिए एक तरीका यह है कि अगर आप कोचिंग सेंटर में हैं तो आप 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, उन 5-6 बच्चों के ग्रुप से जैसे एक चैप्टर हम लोगों ने पकड़ लिया, उस चैप्टर के कुछ पार्ट एक को दे दिया, मतलब उसको 5-6 जगह आप डिवाइड करो और थोरली पूरा चैप्टर पढ़ो, और पर बच्चा जितना भी टॉपिक बच्चे को, उसमें से 10-10 स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाइए अपने आप। अब जब वो 10-10 स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे, 5 बच्चे तो क्वेश्चनों के 15 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इससे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है क्वेश्चन को समझने की, उनको अटेम्प्ट करने की फ्रिक्वेंसी, वो आपकी इंक्रीज होगी जरूर। तो प्रैक्टिस एनसीईआरटी रीड करो, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जब आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो टीचर्स को एंड टू एंड पढ़ा देते हैं कि भैया इसको अंडरलाइन कर लो, यहाँ से ये चीजें स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कैरेक्टर्स की होती है, प्रॉपर्टीज की होती हैं, वो आप लोग अलग अलग, बेसिकली जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है समय पे जाए। एक दूसरी चीज जो है, ये बात मैंने आपको थोड़ी सी बताई, उम्मीद करूंगा कि इससे थोड़ा सा कुछ फायदा होता तो ठीक है, मेरी तो सोच यही तक है कि ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अनुभव है। एक बात है, एक ट्रेंड है हमारे पास आजकल, हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो स्टडीज है, इसका खुद क्रेज है समाज के अंदर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सभी पेरेंट्स के इकोनॉमी इतनी नहीं होती है कि वो बच्चे पर एक मोटी रकम कोचिंग के लिए, ऑफलाइन कोचिंग के लिए खर्च कर सकते हैं। नॉर्मली अगर 1 साल में बच्चा जाता है तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं कोचिंग सेंटर में, उतना वो नहीं कर पा रहा। तो ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर उन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है और बहुत ज्यादा कामयाब, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये है कि बच्चा पूरा दिन नेट पे लग रहा है, वो लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो सीधा सीधा फर्क कहाँ पड़ेगा, उसके हेल्थ पर असर पड़ेगा, उसकी आंखों पर असर पड़ेगा, उसकी वो एक कमरे के अंदर बंद है और लोगों से बात नहीं करेगा, बच्चा एकांकी हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर बच्चा बिल्कुल सिंपल टोटल ऑनलाइन बेस्ड है तो कंपटीशन से दूर हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, और हेल्थ इश्यूज तो बहुत आ रहे हैं, बैठा है कमर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, आई साइड वीक हो गई, ठीक है, और लग बहुत ध्यान से पढ़ रहा है तो ब्रेन पर दिक्कत हो गई, बहुत सारी चीज जो है ना वो दिक्कत में आ रही है। तो मेरा बच्चों से ये सलाह है कि कुछ गैप लेकर के, से क्लास हो रही है रिकॉर्ड हो जाती है, लाइव भी नहीं ले पाते हैं, तो कुछ एक क्लास के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप ले लो, उसके बाद दूसरी क्लास के लो, मतलब पूरे, क्योंकि जो ड्रॉपर्स के लिए है, ड्रॉपर्स के लिए बात यह है कि आपकी 3-4 क्लासेस जो होती है उनमें थोड़ा गैप रखें, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, और बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, और अगर हो सकता है तो कहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे एक क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चों के साथ ग्रुप बनाए, कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा हो आपके आसपास में, आपके जानकार में, या जो बच्चे आपके ऑफलाइन कोचिंग के लिए कहीं दूर गए हुए हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहे, जिससे आपकी जो हेल्थ इशू है या आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं,
ठीक है, वो चलता रहे, और साथ में ठीक है किसी पेरेंट्स के साथ या कोई एक ऐसा चीज जो आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब काउंसलिंग की भी जरूरत है। कभी डिमोरलाइज होते हैं, कभी नंबर कमाते हैं टेस्ट में, कभी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में, तो भाई यार हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, तो ये परेशानी है नॉर्मल, तो आपको समझाएगा कौन। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स का ये पॉजिटिव बात है कि टीचर्स जो है वो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, इतना चला तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर, ये नहीं चल पा रहा तो। एक चीज होती है कि जब हम लगातार किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो हमें ट्रेंड बदल देना चाहिए, देखें थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये निवेदन है, पेरेंट्स के साथ अगर मुझे सुन रहे हैं तो, मेरा पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा जरूरी है, बच्चे की हेल्थ बहुत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी कैरियर वो बच्चे के लिए बनाओ, बच्चा कैरियर के लिए नहीं बनाओ, तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपने लेवल से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो बातें थी आज जिनसे मुझे बात करनी थी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करूंगा कि इन दोनों बातों से हमारे स्टूडेंट्स को काफी मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाले समय में और पॉइंट्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे, मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।